एक बच्चा होता है वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के अपने पापा के पास आता है एंड वो अपने फादर के पास आता है कि भाई रिजल्ट आ गया वगैरह वगैरह। तो उसके फादर पूछते हैं क्या हुआ, पास हुआ कि फेल हुआ। तो बच्चा है वो कहता है और पापा डैड वो जो लॉयर का बच्चा है ना वो फेल हो गया। डैड कहते हैं कि भाई आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द लॉयर, आई एम आस्किंग अबाउट यू, तुम पास हुए कि तुम फेल हुए। तो बच्चा कहता है पापा पापा जो वो डॉक्टर का बच्चा है ना वो भी फेल हो गया। तो अब डैड थोड़ा गुस्सा हो रहा है कि मैं लॉयर और डॉक्टर के बारे में पूछ ही नहीं रहा मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ तो मुझे ये बता तू कि आई हैव यू पास्ड और हैव यू फेल। तो बच्चा फिर कहता है कि पापा पापा वो इंजीनियर का बच्चा भी फेल हो गया। तो अब की बार जो डैड है ही स्मैक्स द किड एंड चिल्ला के बोलता है कि आई एम आस्किंग यू हैव यू फेल्ड और हैव यू पास्ड। तो बच्चा जो है वो रोते रोते बोलता है डॉक्टर का बच्चा फेल हो गया, लॉयर का बच्चा फेल हो गया, इंजीनियर का बच्चा फेल हो गया, आप क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन हो कि आपका बच्चा पास होगा। सो आर यू प्लेइंग द ब्लेम गेम, आर यू प्लेइंग द ब्लेम गेम, क्या आप हर चीज में अपना जो फेलियर है उसको आप कहीं ना कहीं दूसरे पे ब्लेम कर देते हो कि भाई आपका बच्चा अगर मतलब वो बच्चा जैसे क्या कर रहा है, वो बच्चा ये कह रहा है कि लॉयर का बच्चा फेल हो गया, डॉक्टर का बच्चा फेल हो गया, इंजीनियर का बच्चा फेल हो गया, तो मेरा फादर भी कुछ तो इश नहीं है, मेरा फादर इज नथिंग, सो मुझे भी फेल हो जाना चाहिए। आर यू यूजिंग दीज काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस टू नॉट अचीव योर ट्रू पोटेंशियल, कि आप हर चीज में आप दूसरों को ब्लेम करने में लगे हुए हो। कई बार क्या होता है कि हम अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते, वी ब्लेम एवरीथिंग एंड एवरीवन एक्सेप्ट आवर सेल्फ्स, अपने आप को छोड़ के हम सबको ब्लेम करते हैं, अपने आप को छोड़ के हम कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है, सिस्टम खराब है, देश खराब है, पेरेंट्स खराब है, वर्क एनवायरनमेंट खराब है, एवरीथिंग इज रॉन्ग एक्सेप्ट आवर सेल्फ्स, इस तरह से हम रिएक्ट करते हैं। और जब हम सक्सेस हासिल करते हैं, वेन वी गेट एनी काइंड ऑफ सक्सेस, तो हम केवल अपने आप को क्रेडिट देते हैं, उस समय आप सिस्टम को, हम देश को, हम पेरेंट्स को, हम एनवायरनमेंट को, हम लोग क्रेडिट नहीं देते हैं, उस समय हम लोग केवल अपने आप को क्रेडिट देते हैं। तो द क्वेश्चन इज डू यू ब्लेम एवरीबडी एक्सेप्ट योर सेल्फ। एक मैंने लाइन सुनी थी एंड आई रियली रियली लाइक दैट लाइन बिकॉज वो हमको सिखाती है कि हमारे साथ चाहे कुछ भी हो, अगर हम बस ये अज्यूम कर लें कि चाहे जो भी वो हमारी ही गलती की वजह से हुआ है, तो एटलीस्ट हम अपनी चांसेस ऑफ सक्सेस इन द फ्यूचर इंक्रीज कर देते हैं। तो लाइन गोज लाइक दिस, वॉट एवर अज्यूम अज्यूम दैट वॉट एवर हैपन्स गुड और बैड हैपन्स टू यू बिकॉज ऑफ योर सेल्फ, वॉट एवर हैपन्स गुड और बैड हैपन्स टू यू बिकॉज ऑफ योर सेल्फ। इसमें क्या होगा, अगर आप ये एटीट्यूड रखोगे कि चाहे कुछ भी होता है वो मेरी वजह से ही होता है, तो एटलीस्ट यू विल टेक द एक्शंस टू मैक्सिमाइज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर आप ये मान के चलो कि कार एक्सीडेंट अगर हो भी रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं मेरी गलती है, या मेरी अगर होता है तो मेरी गलती से हो सकता है, तो उसमें आप क्या करोगे, जब आप गाड़ी ड्राइव भी कर रहे होगे आप अपनी आंखें खुली रखोगे, आप केवल अपना पे फोकस में नहीं करोगे कि मैं गाड़ी सही से ड्राइव कर रहा हूँ कि नहीं, आप ये भी देखोगे वो दूसरा बंदा गाड़ी सही से ड्राइव कर रहा है कि नहीं, और दूसरे की मिस्टेक्स के लिए यू विल अकाउंट, आप यू विल अकाउंट फॉर दी अदर पर्सन मिस्टेक्स। अगर आप देख लोगे कि दूसरे पर्सन से भी गलती हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप रिज्यूम करो कि अगर उससे गलती होती भी है तो अगर एक्सीडेंट होता है तो मेरी फॉल्ट है, अगर आप ये एटीट्यूड लेके चलोगे तो अगर बंदा तो आगे ब्रेक भी मारता है फटाफट बिकॉज यू आर अलर्ट, तो आप भी टाइम से ब्रेक मार के हटा लोगे गाड़ी को, जस्ट बिकॉज वी हैड द एटीट्यूड कि वॉट एवर हैपन्स हैपन्स टू वॉट एवर हैपन्स, हर चीज़ में मेरी कहीं ना कहीं गलती या इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर आप ये एटीट्यूड रखोगे देन यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव दिस चार्ज विद इन यू दैट यू नो कुछ भी हो जाए जिंदगी में मैं उसको फेस करूंगा, मैं करेज के साथ फेस करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ मेरी गलती है, कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ मेरी गलती है तो कहीं ना कहीं मेरी एक्शंस भी उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज द एटीट्यूड यू नीड, वट एवर हैपन्स टू यू गुड और बैड हैपन्स टू यू बिकॉज ऑफ योर सेल्फ, थिंग्स डोंट हैपन टू यू, थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ यू, दिस इज द एटीट्यूड नीड टू हैव, थिंग्स डोंट हैपन टू यू, थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ यू, आपके खुद के एक्शन की वजह से, चाहे वो चीज़ सच है या ना हो, डजेंट मैटर, बट यू हैव टू हैव दिस एटीट्यूड।
इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक प्लीज कॉमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन एंड इफ यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपनी एंड इफ यू वुड लाइक मी टू डू ट्रेनिंग फॉर यू प्लीज ईमेल मी एट anubhav101@gmail.com. थैंक यू.